हजार स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 35 मिलियन स्क्वायर फुट, और उसमें आप उसको अगर जरब के 110 मिलीमीटर से उसको फुट में करें तकरीबन 4 फुट के करीब ये पानी आ जाता है पूरे सिंध में। और इसका मतलब है 35 को 4 से जरब में कितना हुआ, 140 130 से 140 मिलियन एकड़ फुट पानी सिंध की धरती पे बरसा है। एक जो तरबेला डैम है उसमें 6-6.5 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 25 के करीब तरबेला डैम का पानी सिंध की धरती पे आया, और ये बलूचिस्तान का पानी इसके अलावा है, रेड बैंक का है। अब इसको निकलने में टाइम ज़रूर लगेगा। इधर जो उमरकोट का पानी है, सांगढ़ से, नवाबशाह से, उमरकोट से गुजरता हुआ, मीरपुर खास की साइड से गुजरता हुआ, ये बदीन से दरिया में समंदर में जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी है, अभी मेरी बात हुई है इंजीनियर से भी हुई है, लोकल जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 75% पानी अक्टूबर के महीने से पहले ख़त्म कर दें, अक्टूबर के महीने के दौरान, ताकि गंदम की बुआई हो सके इन इलाकों में। ये इधर आप देख रहे हैं, आपने सामने देखा भी है, आपको इधर की बोतल है, मैं पहले भी इधर आया हूँ, 2020 में भी इधर आया था जब नई आजादी थी। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, और इसमें राणा अमीर सिंह साहब की खासतौर पे जो काविश हैं उनकी जिक्र करना चाहिए। इधर सरदार शाह साहब हमारे पसंद भी, अमीर अली शाह साहब एम पी हैं, नवाब तैमूर तालपुर साहब हैं, नवाब यूसुफ की तबीयत को ऐसी इन सब काविशों से पूरे सांगर बिल्कुल खास, और मेरे ख्याल बदीन के लोग भी इधर होंगे, घर के लोग ये सारे इधर हैं, करीब 8 से 10 हज़ार।